दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में टाइम और डेट गलत सेट किया हुआ है और आप इसको चेंज करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइम और डेट दिखाई दे देता है इस कॉर्नर में, इसको कैसे सेट करना है। इसके लिए आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। तो आप सर्च में आओगे और सर्च करोगे सेटिंग। सेटिंग सर्च करने के बाद बेस्ट मैच में ये आपको दिखाई दे देता है, इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको टाइम एंड लैंग्वेज ये दिखाई देगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च में ही टाइम सर्च करोगे तो ये सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो इस सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद डेट एंड टाइम ये दिखाई देगा विंडोज 11 में, इस पर क्लिक करना है। और अब यहाँ से आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली टाइम सेट हो जाए तो इसको ऑन करके रख सकते हो। बाकी आपको मैनुअली चेंज करना हुआ तो नीचे स्क्रॉल करना है, एडिशनल क्लॉक्स ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको टाइम एंड डेट इसमें आ जाना है और यहाँ से चेंज डेट एंड टाइम इस पे क्लिक करना है। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप डेट चूज कर लोगे, जो भी आज का डेट है, और यहाँ से आप टाइम को घटा बढ़ा करके चेंज कर सकते हो, या फिर टाइप भी कर सकते हो यहाँ से घंटा मिनट और सेकेंड। और सारा चेंजेस करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है और अप्लाई कर देना है।